हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंट माइंड टेक। तो आज एक नए टॉपिक में फिर से वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं ओवरहीटिंग से जो रिलेटेड कार में हमारे जो प्रॉब्लम आती है, या तो ओवरहीट करती है या तो कूलेंट बाहर फेंकती है, तो हमारा थर्मोस्टेट बल्ब वर्क नहीं करता, उन्हीं सबसे रिलेटेड मैं वीडियो ला रहा हूँ। और इसमें मैं बताऊंगा कि जैसे कोई बोलता है कि अगर रेडिएटर से उबाल मार रहा हल्का फुल्का भी, तो बोल देते हैं कि आपकी हेड गैसकेट ख़राब है। आज मैं इसमें निकालने वाला हूँ थर्मोस्टेट बल्ब। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं और क्या कमी उसमें हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। तो सबसे पहले हम बोनट को खोलते हैं और बताएंगे क्या क्या चीज़ करना है इसमें स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, बोनट मैंने खोल दिया है और इसमें मैं खोलने वाला हूँ थर्मोस्टेट वाल्व। ये जो हमारे रेडिएटर से अपर होस पाइप जाती है, ये यहीं पे होता है थर्मोस्टेट वाल्व यहाँ पे। तो इसके लिए हमें इसमें 3 10-10 नंबर के बोल्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताया आपको, थर्मोस्टेट वाल्व खोलूँगा तो वहाँ तो कूलेंट भरा होता है, तो सबसे पहले हमें कूलेंट को ड्रेन करना होगा। और कूलेंट का जो ड्रेन नट होता है, हमारे रेडिएटर में एक प्लास्टिक का नट होता है, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको हाथ लगा के दिखाता हूँ, ये रेडिएटर का ड्रेन नट है वो प्लास्टिक का, उसको खोल दूंगा तो कूलेंट पूरा बाहर निकल जाएगा। इसके बाद मैं थर्मोस्टेट बल्ब को खोलने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एयर फिल्टर बॉक्स खोल लेते हैं। एयर फिल्टर बॉक्स खोलने के लिए 13 नंबर के दो बोल्ट होते हैं, 8 नंबर का होता है जो हमारे होस पाइप में क्लिप होती है उसका, खोल देंगे निकल आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कितना आसानी से निकल गया एयर फिल्टर बॉक्स। फ्रेंड्स, कूलेंट अब मैं ड्रेन करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ड्रेन नट खुल गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कूलेंट बहुत धीरे, लेकिन प्रेशर वाल्व खोलते ही उसमें से कूलेंट निकलने लगेगा स्पीड के साथ, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें रेडिएटर का जो कैप होता है, इसमें प्रेशर आ जाता है जिस वजह से कूलेंट नहीं निकलता। तो रेडिएटर का ड्रेन नट वापस से लगा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कूलेंट निकल चुका है, उसको छान के वापस दोबारा डालेंगे। और अब इसका थर्मोस्टेट वाल्व खोलने वाले हैं, उसके लिए 10 नंबर का पाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है इसको खोलना, और इसको आप ज़रूर करिए। अगर आपकी गाड़ी ओवरहीटिंग हो रही है तो आप एक बार थर्मोस्टेट वाल्व भी चेक करवाइए। फ्रेंड्स, तीसरा नट भी खुल गया है, थोड़ा ये कंजस्टेड एरिया में होता है लेकिन खुल जाता है। तो अब इस एल्बो को खोलना है बाहर, तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी कूलेंट निकलता है कुछ, क्योंकि कूलेंट इसमें भरा होता है पाइप में। तो आप देख सकते हैं ये एल्बो होती है कुछ, जो हमारे थर्मोस्टेट वाल्व को होल्ड करके रखती है, यहीं से कूलेंट अंदर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं थर्मोस्टेट वाल्व लगा है, जिसमें काफ़ी जंग लगा हुआ है, रस्टिंग हो गई है। तो इसको बाहर निकाल के क्लीन करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ा ये मुश्किल होता है खोलना, क्योंकि इसे पकड़ के खींचना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यह है थर्मोस्टेट वाल्व, कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है। इसके ऊपर ये रबड़ लगी रहती है ऐसे, ये भी कुछ डिस्टर्ब तरीके से हो गई है, जैसे कुछ ज़्यादा ही पिघल गई हो। तो इन सब को दोबारा मैं क्लीन करूँगा। इसके बाद आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये खोला है, बाकी मेरी गाड़ी में कोई भी ओवरहीटिंग का इशू नहीं था, लेकिन ये काफ़ी दिनों से लगा था तो मैं सोचा इसको देख लेता हूँ कहीं ये चोक वगैरह तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए ताकि ये अच्छे से बैठ जाए उसमें और ये लीकेज की प्रॉब्लम ना हो इसमें। और अंदर भी इसके जो जहाँ पर हमारा थर्मोस्टेट वाल्व लगता है, उसको भी क्लीन कर लेना होता है, वहाँ भी रस्टिंग हो जाती है। अगर हम पानी बस डाल के गाड़ी चलाएंगे तो रस्टिंग हो जाती है। तो इसको भी मैंने बढ़िया से क्लीन कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा, तो ये होल इसलिए होता है, कभी मान लीजिए ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, कम खुल रहा है, जिस वजह से कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से यहाँ पे होल दिया जाता है, एयर सिस्टम भी लॉक ना हो इसके लिए। तो मैं इसमें होल्स भी करने वाला हूँ ताकि हमारा जो एयर सिस्टम है, लॉकिंग की प्रॉब्लम ना आए।
और कूलेंट का प्रवाह भी अच्छे से होता रहे। चलिए दिखाता हूँ क्या करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको खोला है। बाकी आप लोग ऐसा झंझट मत करिएगा, आप डायरेक्ट नया थर्मोस्टेट बल्ब खरीदेगा होल्स वाला। आजकल होल्स वाले थर्मोस्टेट बल्ब आ रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे होल्स रहते हैं, उन्हीं को लगा दीजिएगा खरीद के। बाकी मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से मैं इसी को बनाने वाला हूँ। तो चलिए इसको दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक होल कर दिया है यहाँ पे। आजकल के जो बहुत से थर्मोस्टेट बल्ब आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक होल दिया रहता है, तो मैंने यहाँ पे एक होल किया है। थोड़ा अनइवन हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बल्ब है हमारा 82 डिग्री का है। जब हमारी गाड़ी के इंजन का तापमान या कूलेंट का तापमान 82 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तब ये बल्ब ओपन होता है। तो और इसके ऊपर का आप बल्ब मत लीजिएगा, 100 डिग्री 90 डिग्री, हो सके तो इससे कम डिग्री का ही आप बल्ब लीजिए, ताकि वो कम टाइम में खुले, अपने इंजन को कोई दिक्कत ना पहुंचे। तो ये जो मेरा बल्ब है 82 डिग्री सेल्सियस का है। तो और इसके ऊपर मैं अब ये सील लगा के और इसको वापस से लगाने जा रहा हूँ। और पूरी प्रोसेस और जो इसको लगाने का तरीका है वो आप वीडियो में देखेंगे। तो मेरे पास अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं था न्यू बल्ब, जिस वजह से मैंने इसमें होल किया है। और अब इसको मैं वापस से लगाने जा रहा हूँ। और अभी मैंने जो ग्रुप में देखा, अपने टाटा विस्टा का जो ग्रुप है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी किसी एक पर्सन को कि उनकी वहाँ पास से लीकेज हो रहा है। तो एक बार इस एल्बो को ज़रूर वो चेक करवाएं कि यहाँ पास से तो नहीं लीकेज हो रहा कूलेंट का। फ्रेंड्स, ये है थर्मोस्टेट वाल्व की लोकेशन, टाटा विस्टा TDI की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, और मैंने इसको अच्छे से दिखाने के लिए क्लीन भी किया है। और यहाँ पे आप पूरी लोकेशन देखिएगा, ऐसे ऐसे में आप लोकेशन देखिए कि ये लोकेशन है और ये एल्बो उसमें लगती है। तो चलिए अब हम थर्मोस्टेट बल्ब को सेट करते हैं। और थर्मोस्टेट बल्ब ये रहा मेरा, 82 डिग्री का है। और इसमें मैंने थोड़ा सा अल्ट्रेशन किया है एक होल बना के। तो अब इसको यहाँ पर लगाते हैं, ये कुछ ऐसे लग जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट बल्ब लग गया है। एल्बो लगाने की बारी है, तो एल्बो मैं आपको दिखा देता हूँ। एल्बो मैंने ये निकाल के रखी है और एल्बो को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें लगाएंगे अब एनाबोंड। तो आप देख सकते हैं एनाबोंड भी मैंने लगा दिया है। और बस इसको अब यहाँ पे लगाने की बारी है। तो बस इसके होल से मैच करके और कुछ ऐसे इसको लगा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर फिट हो गया है। और इस पे अब हम बोल्ट लगा देंगे जो 10 नंबर के हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने इसको काफ़ी अच्छे से टाइट किया है। और इसमें आप कूलेंट डालने की बारी है। तो एक चीज़ और आपको बताना था, मैंने अपने रेडिएटर का ये ढक्कन भी चेंज किया है। और किस वजह से चेंज किया है मैं आपको अंतर दिखा देता हूँ दोनों में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, इसकी जो रबर्स हैं साइड साइड से कट गई हैं, और इसका जो बाल्ब है वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, जिस वजह से यहाँ से कूलेंट लीक होके यहाँ गिरता था नीचे, और यहाँ हर जगह कूलेंट ही कूलेंट हो जाता, जिस वजह से मैंने इसको चेंज किया। आप देख सकते हैं उस बाल्ब में। और ये जब आप ख़रीदिए, 100 रुपये का आता है, ओरिजिनल है। तो ये ओरिजिनल कैप ही ख़रीदें, और कैप में आप अंदर की उसकी रबड़ देख लीजिए, उसका बाल्ब देख लीजिए अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं दबा के। और इस वाले की आप देखेंगे तो इसमें इसकी रबड़ कट गई है, अच्छे से नहीं है इसकी रबड़। और रबड़ जब सूख भी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है उसकी। तो जब रबड़ की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो इस तरह ये फिर लीकेज करने लगता है। तो इसको मैंने चेंज किया और ये ओरिजिनल मैं लेके आया जो 100 रुपये का मुझे पड़ा है। ये सब इंस्टॉल हो गया। अब कूलेंट डालने के बाद मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी की हेड गैस्केट हमें कैसे चेक करना होता है कि हमारी हेड गैस्केट सही है या ख़राब हो गई, उसके लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम कूलेंट डालते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये दूसरा जग है। अब एक जुगाड़ मैं और करने वाला हूँ। तो जो मेरे रिजर्व टैंक में कूलेंट है मैं उसको भी निकालने वाला हूँ। तो उसको निकालने के लिए आप देख लीजिए, रिजर्व टैंक वाली जो पाइप है ये जाती है, तो इसको हमें ऐसे खोलना है, इसमें ऐसे लगाना है इसको,
बॉटल में और इसको सीधे नीचे कर देना है। तो आप देखेंगे, तो आप देख रहे हैं कूलेंट निकल रहा है रिजर्व टैंक से। इसमें डालना है, जितना जाए उतना एकदम डालते जाना है। और इसके बाद फिर इस पाइप को दबा दबा के और इसमें कूलेंट डालना होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कूलेंट यहाँ तक लेवल तक दिखाने लगा है, यहाँ लेवल तक दिखाने लगा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये लेवल और डाउन होगा। तो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें अभी जितना कूलेंट जाएगा उसमें और डालेंगे। और गाड़ी अभी थोड़ा मिसिंग कर रही है क्योंकि उसका इनटेक एयर सिस्टम अभी खुला हुआ है। तो आप जैसा कि देखेंगे, इसमें आप दिखाओ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कूलेंट इसमें से पूरा गायब हो चुका है। आप देख रहे हैं इसमें मैं जब तक ये फुल लेवल तक ना आ जाए स्टार्ट कंडीशन में, तब तक इसमें आप डालिए। इसके बाद यहाँ से थोड़ा इस पाइप को दबा के तो फ्रेंड्स यहीं पे अब बारी आती है हेड गैस्केट चेक करने की। तो अगर मेरी गाड़ी की हेड गैस्केट ख़राब होगी तो मैं जब गाड़ी को एक्सलरेट करूँगा तो कूलेंट बाहर की तरफ फेंकेगा। अगर हेड गैस्केट सही है तो कूलेंट अंदर की तरफ खींचेगा रेडिएटर के कैप के पास से, जहाँ से मैं अभी कूलेंट डाल रहा हूँ। तो यही भी टेस्टिंग भी मैं कर लेता हूँ। तो आप जैसा कि देखेंगे, आप देख रहे हैं मैंने रेडिएटर में कूलेंट इसके मुँह तक गले तक भर दिया हूँ मैं, और इसके बाद मैं एक्सलरेट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं एक्सलरेट करता हूँ, आप देख रहे हैं पहले वो अंदर की साइड खींचता है, इसके बाद फिर जब हम एक्सलेटर छोड़ते हैं तब फिर वो बाहर की साइड वो करता है। तो इसको हम हल्के हल्के एक्सलेट करेंगे। आप देख रहे हैं मैं इसको एक्सलेट कर रहा हूँ और कूलेंट अपने की तरफ खींच रहा है, मतलब गाड़ी की हेड गैस्केट सही है। तो आप किसे कहने पर मिसगाइड मत होइए कि आपकी गाड़ी की हेड गैस्केट ख़राब है कि कुछ और ख़राब है। तो आप देख रहे हैं इसमें कूलेंट बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखिए अंदर की तरफ पूरा खींच गया। आपको अब दिखाने वाला हूं कि जैसे जैसे मैं एक्सलरेट करूंगा गाड़ी का जो रेडिएटर का कूलेंट है वो अंदर की तरफ खींचेगा। तो आप देखते जाइएगा, ये देखिए ये पूरा अंदर की तरफ खींचता है। इसके बाद इस पाइप को भी दबाना है ताकि जो भी एयर सिस्टम इसमें आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद कैप को अच्छे तरीके से लगा देना है और जो भी बचा है आपका कूलेंट इसमें, इसको अपने रिजर्व टैंक में डाल देना है। बहुत से हमारे जो टाटा विस्टा के ऑनर हैं वो जो रिजर्व टैंक है उसको मैक्सिमम कंडीशन तक भर देते हैं, जिस वजह से जब कभी गाड़ी का कूलेंट ओवरफ्लो करता है तो रिजर्व टैंक से फ्लो होने लगता है बाहर की ओर। तो रिजर्व टैंक को हमेशा मिनिमम तक भरिए, क्योंकि रिजर्व टैंक इसीलिए होता है कि वो जब हमारी गाड़ी का ओवरफ्लो हो तो उसमें आ जाए और कम पड़े तो उससे वापस हो रेडिएटर अपने की तरफ खींच ले। तो यही था। और चलिए अब इसका एयर फिल्टर बॉक्स लगा देते हैं, फिर आपको लास्ट में इसका कंक्लूजन में बताता हूँ कि गाड़ी का हीटिंग प्रॉब्लम आता आखिर क्यों है इसमें से। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने पूरा वर्क इसमें कम्प्लीट कर दिया है और अब गाड़ी को मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि इसकी हेड गैस्केट और ओवरफ्लो को कैसे चेक करते हैं। तो कार बढ़िया प्रॉपर अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है बिना किसी ट्रबल शूट। तो आप देख सकते हैं कार मेरी स्टार्ट है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ
कि कार अभी कम से कम मैं 2 मिनट तक स्टार्ट ऐसे ही रखूँगा, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि ओवरफ्लो कैसे आप लोग चेक करते हैं, कैसे ओवरफ्लो मारती है ये सब चीज़। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इसका ओवरफ्लो चेक करें तो उसके लिए आपको रेडिएटर का कैप नहीं निकालना है। गाड़ी चाहे जितनी भी गर्म रहे, आपको सीधे इसकी ये वाली जो रिजर्व टैंक में पाइप जाती है, इसको आपको डायरेक्ट ऐसे खोल देना है। और यहाँ से अगर आपके बहुत स्पीड से कूलेंट बाहर जा रहा है रिजर्व टैंक की ओर, तब मानिए कि आपकी गाड़ी की हेड गैसकेट ख़राब है, वरना बिल्कुल भी किसी भी एंगल में आप अपने गाड़ी का हेड ना खुलवाएं हेड गैसकेट के लिए। जब यहाँ से ख़तरनाक एकदम हाई फ्लो में कूलेंट निकले रिजर्व टैंक की ओर, तब मानिए कि आपकी गाड़ी का हेड गैसकेट ख़राब है। और जैसा कि मैं आप दिखा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट है मेरी और ये चाहे जितना भी हीट अप हो जाए, इसके बाद भी यहाँ से नहीं निकलेगा। और अगर बूंद बूंद के रूप में निकलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना चलता है। और गाड़ी जब ओवर हीट होती है तब बीच में से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके निकलता है। फ्रेंड्स, ग्रुप में मेरा जो ग्रुप है टाटा विस्टा का, उसमें भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती है ओवर हीट की, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम, किसी को, तो उन सब चीज़ों को मैं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं जो नहीं बता पाया आपको, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा कैसा करना है। क्योंकि वीडियो बनाते समय मेरी वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती है, मैं जो करता हूँ सब लाइव रहता है, कोई अपना स्क्रिप्टेड वाला काम नहीं रहता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।